dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 92 and we are going to talk about level 5 leadership and in this module we are talking about and focusing upon the practical aspect of the level 5 leadership when we talk about the practicality of the leader level 5 that means that we are concerned with the organizational facility in which the leader is going to demonstrate his or her capability of having a strong humility as well as an intense will so when we talk about humility and will remember that the combination of these two things would create a level 5 scenario in this particular scenario when we talk about humility it means that you give credit for success to others and you give credit of failure if there is any to your own self and that is basically a characteristic jockey omnipotent manager skender vopajatihe at the same time

जिसमें के वो ये देखेगा कि वो एक लेवल एंड अबव के ऊपर ऑपरेट वो कर सके अब लेवल एंड अबव के ऊपर ऑपरेट करने के लिए याद रखिएगा कि उसको पेशेंट भी रहना है उन एस्पेक्ट्स के साथ जो वहां पर कारफरमा है जिस पेस में वहां पर डेवलपमेंट हो रही है उसको वहां पर क्लियर प्रेफरेंसेस के साथ होना है सो so दैट वो लोगों को बता सके कि उनकी प्रायोरिटीज कैसे सेट की जा सकती हैं एट द सेम टाइम वो चॉइसिस को सिलेक्ट कर सके विच आर द मोस्ट ऑप्टिम एंड बेस्ट पॉसिबल फॉर अचीविंग टोल नीड्स टू बी विजनरी दो चीजें विल आर द इनग्रीडियंट्स फॉर मेकिंग द रेसिपी ऑफ लेवल फाइव लीडरशिप अब इस कंसर्न में याद रखिएगा कि जब हम पर्सनल ह्यूमिलिटी की बात करते हैं तो यू हैव टू डिमोन्स्ट्रेट एन एनवाइ जिसमें के आप अपने आप को बूस्टफुल ज्यादा शो ना करो आप दूसरों के लेवल पर आकर ऑपरेट करो सो दैट दे शुड नॉट बी फीलिंग एलियन विद यू एंड सेकेंडली आपको अपने एम्बिशंस को दूसरों के साथ बड़ा क्लियरली शेयर करना है आपको उनके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, जिनसे के एक लीडर वहां पर ऑपरेट वो करेगा सो so, एम्बिशंस का क्लियर होना बहुत जरूरी है बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स द सेकेंड थिंग इज जब हम प्रोफेशनल विल की बात करते हैं तो उस प्रोफेशनल विल में आपको सुपर रिजल्ट अचीव करने हैं आपको ऐसे टारगेट्स अचीव करने हैं जो कि दूसरों के बस में एस ना हो आपको सिनर्जिस्टिक रिटर्न्स वो क्रिएट करने होंगे इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको कब कहां क्यों कैसे क्या परफॉर्म करना है द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर सकें विच आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस

उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी we'll 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 so, इन तमाम चीजों को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट मींस कि हमारा मेजर फोकस किस पर होगा उस सूरत में याद रखिएगा कि हमारा मेजर फोकस पीपल पर है एंड स्ट्रेटजी कम्स द सेकंड पीपल आर देयर टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी और हमें स्ट्रेटेजी के ऊपर करना है तो इसमें हमारे पास तीन पॉइंट है डिसिप्लिन पीपल डिसिप्लिन थॉट एंड डिसिप्लिन एक्शन वेन वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन पीपल वी आर कंसर्न विद यू डोंट नीड हायर की

कि हमारी फेथ और हमारे फैक्ट्स ये दोनों चीजें साइड बाई साइड चलें और हम किसी भी लेवल के ऊपर अपने फेथ को लूज ना करें अपने बिलीव को विदड्रॉ ना करें बिकॉज वही वही फेथ और बिलीव है आपका जो कि एक्चुअली आपको मंजिल मकसूद पर वो पहुंचाता है देन वी टॉक अबाउट इन द लेवल फाइव कंसर्न बिल्ड अप ब्रेक थ्रू फ्लाई व्हील और जब हम इस ब्रेक थ्रू फाइव व्हील की बात करेंगे तो जाहिर है कि लीडर को स्टडी होना है परसिस्टेंट होना है और रिजिलियंट होना है

So, उस सूरत में हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए उसकी इकोनॉमिक हैं वो बेहतर से बेहतर कैसे हों और एट द सेम टाइम व्हाट बेस्ट द पैशन फॉर इट्स पीपल बिकॉज दिस पैशन फॉर पीपल ये हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज द पॉइंट जो कि आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवर और अब एवरेज रिटर्न को वो बेस बनाएगा एज यू हैव सीन इन लेवल कंसर्न कि हम बनकर बेहतर तौर अपने फॉलोअर्स को गाइड कर सकते हैं ट्रेन कर सकते हैं बिकॉज विल बी हैविंग द पर्टिकुलर एक्सपर्टीज जो हमें सक्सेस के लिए दरकार हैं डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो लेवल फाइव लीडर बनने के लिए इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस वो हमें करना होगा ह्यूमिलिटी वेल स्टॉक डेल पैराडॉक्स ये तमाम तरह वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फोकस किए बगैर लेवल फाइव एग्जीक्यूशन ऑफ लीडरशिप नहीं हो पाएगी थैंक यू